आज हम इस वीडियो में जानेंगे यमराज जी का शिला जगन्नाथ जी के मंदिर में कैसे स्थित हुआ। जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आपको 22 सीढ़ी पार करना होगा। उन 22 सीढ़ियों में से तीसरी जो सीढ़ी है ना, वो ही है यमराज जी का शिला। यह बिल्कुल सिंहद्वार के सामने ही है जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं। माना जाता है जगन्नाथ जी के दर्शन जो भी करते थे उनका जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाता था। तभी यमराज जी जगन्नाथ जी से बोले, प्रभु अगर ऐसे ही सबको मुक्ति मिल गया तो इस पृथ्वी लोक में तो कोई जन्म भी नहीं लेगा और ना ही कोई मरेगा। इसी कारणवश जगन्नाथ जी ने यमराज जी को वरदान दिया, मेरे मंदिर में प्रवेश करते समय तुम तीसरी सीढ़ी में विराजमान होना और जो भी इस तीसरी सीढ़ी को स्पर्श करते हुए मेरे दर्शन करेगा मैं उन्हीं को मुक्ति दूंगा। लेकिन कोई उल्टा वापस जाएगा उसी में, उसको उसके कर्म अनुसार भोगना होगा। आपके कर्म हिसाब से जो भी कोई पाप वो किए हैं आप उसको जम दंड अवश्य देंगे। और उस दिन से ही आज तक वो जगन्नाथ जी का मंदिर जो मेन गेट है, सिंह दरवाजा है, सिंह दरवाजे के बिल्कुल तीसरी सीढ़ी में जो एक ब्लैक कलर का प्लेट लगा होगा वो उसको जम शिला बोला जाता है। इसको तब से आज तक से जगन्नाथ जी का जो मेन गेट है जो सिंह दरवाजा है, सिंह दरवाजे के पास में वो यमराज का शिला अभी आज तक भी